हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टूस बायोलॉजी क्लास तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट दफ स्पर्म एस परमेटो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट ओवम प्रोसेस नोन एज ऊ ठीक है तो देखो एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊ जेनेसिस को डिविजनल स्टेजेस जो होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर देर इज नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस बट ये

उ जनसिस का steps है पहले ही जैसे हमने स्पायमेटोजनेसिस में देखा था the first cell to be formed is called as u which is deployed actually now this is formed during the embryonic stage तो ये जो पहला वाला है ये आपके embryonic stage में जब आ, जब child आ, female child mother के womb में होती है during that time only this takes place तो ये पहला divisional stage जो होता है mitotic divisions जो होते हैं

दिखाई देता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द चाइल्ड इज बॉर्न सी ऑलरेडी हैज दिस प्राइमरी प्राइमरी ओसाइट्स ओसाइट्स नाउ द आर एक्चुअली मियोसाइट्स मतलब दे कैन गो नाउ उसके बाद वाला जो डिविजन होता है ये जो मैचुरेशन फेज का डिविजन है फ्रॉम हियर टिल हियर दिस पॉइंट ये जो मैचुरेशन फेज का डिवीजन है दिस ऑकर्स आफ्टर द प्यूबर्टी ठीक है ये सारे स्टेप्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी जब Cycle करता है या फिर जब फीमेल इंडिविजुअल मैच्योर हो जाती है तो ये प्यूबर्टी के, के बाद ही होता है सो वेन एंड फीमेल इंडिविजुअलिस वन एंड विल हैव एन अनिक्वल डिविजन यहाँ पे डिफ्रेंस आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस से कि ये जो प्राइमरी उन्स इट डिवाइड

सेम विद पोलर बॉडी ठीक है बट द थिंग इज पोलर बॉडी विल नॉट अंडर गो एनी फर्दर डिविजन समटा कभी कभी होता भी है सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म होता है समटाइम्स इट डज नॉट ठीक है ना वॉट विल है ओवेरी

Uh, division, cellular division through meiosis 2 forming a larger cell that forms the ovum, whereas a smaller cell called as a secondary polar body. Now all the three secondary polar body will degenerate, or destroy, ho jayenge, and only the ovum will remain, which might get fertilized in the presence of the sperm. So, you fertilize, karke zygote form karega, and the further development of post fertilization event is carried out.

री जब ओवेरी हम लोग पढ़ रहे थे तब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे हम लोग नाउ प्राइमरी ओसाइट एंड मैच्योर्स मेच्योर्स फूड फ्रॉम दॉलिक्यूलर सेल्स प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेनसर सेल्स फॉर्मिंग न्यू थेका कॉल्ड ए सेकेंडरी फॉलिकल तो धीरे धीरे करके प्राइमरी फॉलिकल फिर डिवाइड फिर एंड लार्ज होगा डिपोजिशन ऑफ मोर लेविंग टू बेसिकली एक इनर होता है जिसको इंटरना बोला जाता है और एक आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तो दो अलग अलग लेयर होंगे of of oocyte. Oocyte के जमा होके वो दो लेर बना लेते हैं ना द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इंटू ए टर्यरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज बाय फ्लुड फील्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम

री फॉलिकल फॉर्मेशन तो सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल जब फॉर्म होगा उस टाइम पे पहला दैट टेक्स प्लेस इन द टर्यरी फॉलिकुलर स्टेज ना दर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज मैच्योर्स इन टू द ग्राफियन फॉलिकल द सेकेंडरी उम्म्रेन अराउंड इट कॉलेज zona pellucida. तो जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिक्यूल में मैच्योर करेगा आपका आ, फ, आ, सेकेंडरी उसाइट, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सेकेंडरी उसाइट के ऊपर एक और लेयर बन जाएगा जिसको हम लोग जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं ना दिस लेयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इस लेयर के बारे में और डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन उस टाइम पे हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है इस लेयर का और ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ठीक है

In the menstrual cycle, Now these are the divisional stages that occur during the process of oogenesis, which is the formation of the female gamete called as ovum. So students, we have two topics: one is spermatogenesis, the oogenesis. In the upcoming class, we will discuss about another topic, which is menstrual cycle, and then we will move on to the process of fusion of the two gametes called as fertilization. Okay. Thank you. Thank you, everyone.